Here with the financial headlines, brought to you by SnapZ Universe. Hello and welcome to today's financial report. सोने की कीमत का पूर्वानुमान तीन सप्ताह की तेजी के बीच जो यूएसडी डॉलर पर है, केंद्रीय बैंकों की नजर कॉन्फ्लुएंस डिटेक्ट। सोने की कीमत साप्ताहिक शीर्ष के आसपास दिख रही है, लगातार तीसरे साप्ताहिक लाभ के लिए तैयार है, जो यूएसडी मूल्य को बढ़ाने के लिए आर्थिक आशावाद को बढ़ावा देने के चीन में शामिल होती है। फेड नीति बैठक से पहले सतर्क के बीच जोखिम उत्प्रेरक को ट्रैक करने होगी। एनजेडी यूएसडी मूल्य विश्लेषण 0.6220 से ऊपर बना हुआ है, बेयर की नजर है। एनजेडी यूएसडी में लगातार छठे दिन गिरावट जारी है। 100 आर का ईएमए 200 आर के ईएमए से नीचे जाने की कगार पर है। मुख्य समर्थन क्षेत्र 0.6200 पर स्थित है, तत्काल प्रतिरोध स्तर 0.6285 पर देखा गया है। यूएसडी जेपीवाई 140.00 से ऊपर 4 दिन की जीत दर्ज कर रहा है। 4 दिनों के अपट्रेंड के बाद साप्ताहिक शीर्ष के आसपास यूएसडी जेपीवाई बढ़त पर है। जापान नेशनल सीपीआई जून में सुधार हुआ है, लेकिन बोजे नीति की रक्षा से येन जोड़ी के खरीदार आशान्वित है। फिर चिंता के बीच पिछले दिन के रनअप का बचाव करने के लिए संघर्ष करती है। अगले सप्ताह की मौद्रिक नीति घोषणाएं स्पष्ट दिशा निर्देशों के लिए महत्वपूर्ण होंगी। यूएसडी सीएडी 1,3100 के मध्य से ऊपर एक संकीर्ण दायरे में अटका हुआ है। तेल की बढ़ती कीमतें एक विपरीत दिशा के रूप में काम करती है। यूएसडी सीएडी में किसी इंट्राडे का अभाव है और शुक्रवार को एक संकीर्ण ट्रेडिंग बैंड में उतार चढ़ाव होता है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी लूनी को सहारा देती है और यूएस डॉलर की मांग के बीच तेजी को रोकती है। कैनेडियन बिक्री कुछ प्रोत्साहन की उम्मीद कर रही है, हालांकि फोकस अगले सप्ताह एफओएमसी पर बना हुआ है। Today's important news. Today's markets outlet. On behalf of all of us here, we wish you a productive trading day.